दोस्तों, कुछ वक्त पहले पूरी दुनिया में कोरोना अपना कहर बरसा रहा था, तब भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो किसी ने भी सोचा नहीं था। भारत ने कोविड से बचाव के लिए दो वैक्सीन की खोज कर ली थी। ये सब कुछ किसी चमत्कार से कम नहीं था, बल्कि ये सब बायोटेक्नोलॉजी के चलते संभव हो पाया, जिसको बायोटेक भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में आज भारत ने इतनी ग्रोथ कर ली है कि जहां पहले कई बीमारियां ऐसी होती थी जिनका इलाज होना मुश्किल माना जाता था, पर इस टेक्नोलॉजी के चलते आज कई बीमारियों का इलाज संभव हो सका है। इसने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है बायोटेक्नोलॉजी और कैसे भारत ने इसमें कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। बायोटेक्नोलॉजी सुनने में तो नई टेक्नोलॉजी लगती है, पर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये 10,000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। साइंस के इस हिस्से में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर एक ही साथ काम करती है। इस टेक्नोलॉजी में लिविंग चीजों का यूज करके नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इसकी मदद से पौधे और जानवरों के लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें नए पौधे बनाकर फसलों और उपज को बढ़ाने का काम किया जाता है, जिसमें हमको खाने के बेहतर प्रोडक्ट मिल सके। साथ ही जानवरों से बेहतर प्रोडक्ट पाने के लिए इस टेक्नोलॉजी की खोज साल 1973 में कोहेन और बायर नाम के दो वैज्ञानिकों ने की थी। इन्होंने डीएनए नाम के कोरेंट की खोज की, जिसके बाद बायोटेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली। इसको बायोटेक्नोलॉजी का नाम देने का काम हंगरी के एग्रीकल्चर इंजीनियर कॉल इरेकी ने किया था। उन्होंने साल 1919 में इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया था। इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को शुरू करने वाली लेडी किरण मजूमदार खान हैं, जो बायोकान की को फाउंडर भी हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कई पार्ट होते हैं, जैसे ग्रीन बायोटेक जो केवल एग्रीकल्चर पर काम करता है, दूसरा रेड बायोटेक्नोलॉजी जो फार्मा का काम करता है, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का काम करता है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी मरीन एंड एक्टिविटी एप्लीकेशंस पर काम करती है। मेडिकल फील्ड में इसका प्रयोग नई दवाओं को बनाने और जेनेटिक को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज करने से अब मेडिसिन बहुत आसानी से मिलने लगी है, साथ ही मेडिसिन का रेट भी कम हुआ है। इसका यूज करके कई बड़ी जानलेवा बीमारियों की मेडिसिन खोज की जा सकी है। एग्रीकल्चर एरिया में इसका यूज करके फसल को जल्दी और हेल्दी बनाया जाता है। कोविड के टाइम जब सभी देश कोविड से जूझ रहे थे, तब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही कई देशों ने इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन की खोज की थी, जिसमें एक नाम भारत का भी था। भारत की दो बायोटेक कंपनियों ने कोविड की वैक्सीन को खोज निकाला। साथ ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन देकर मदद की। इसके साथ ही भारत ने बायोटेक्नोलॉजी में काफी तरक्की भी कर ली है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने का रिकॉर्ड भी इंडिया के ही नाम है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में हम दूसरे नंबर पर हैं। भारत में अब तक सबसे ज्यादा करीब 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को लग चुकी है। भारत में इस वक्त दो बायोटेक कंपनी सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है, जिनमें से पहली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और दूसरी भारत बायोटेक। ये दोनों कंपनी इस वक्त खबरों में लगातार बनी हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी की पहचान दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के रूप में कर ली गई है। ये कंपनी करीब 100 एकड़ में फैली हुई है। इन्होंने अपनी वेबसाइट में लिखकर दावा किया है कि दुनिया में करीब 65% बच्चों को जीवन में एक ना एक बार सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जरूर लगी है। दूसरी कंपनी भारत बायोटेक है। इस कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी कोवैक्सीन अब बड़ों और बच्चों के लिए एक ही टीके के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। कंपनी से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमने एक वैश्विक वैक्सीन विकसित करने का जो संकल्प लिया था वह पूरा हो गया है। इस वैक्सीन को बनाने और लाइसेंस की सभी प्रक्रिया को पूरा कर ली गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की स्वदेशी टीका निर्माता कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोरोना के डेल्टा के साथ ही ओमिक्रॉन के वेरिएंट पर भी काफी असरदार साबित हो रही है। एमोरी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी के बाद कोवैक्सीन के कोरोना के दोनों वेरिएंट पर प्रभावी होने पर मुहर लगाई है, जो कि इसके तहत कोवैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना के डेल्टा के साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट संक्रमण से मौत का प्रमुख कारण बना था, तो वहीं ओमिक्रॉन को सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। दुनिया में भारत बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में 12वें नंबर पर आता है और एशिया में ये तीसरा सबसे बड़ा बायोटेक बिजनेस का फील्ड है। भारत की बायोटेक इकोनॉमी 2019 में 65.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 70.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो कि 12.3% की तेजी से बढ़ी थी। साल 2021 तक भारत बायोटेक बिजनेस का टैक्स रेवेन्यू में करीब 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान था। साल 2025 तक यह 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की बायोटेक फील्ड में तरक्की का सबसे बड़ा हाथ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल्स
BIRAC का है, जिसको सरकार ने 2012 में खोला था। यह इनोवेटर और निवेशक को एक मंच पर लाता है और तकनीकी विकास के लिए हर प्रकार की सुविधा देता है, जिसकी मदद से ये फील्ड और आगे बढ़ सके। पीएम मोदी बायोटेक फील्ड में भारत को और आगे ले जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने साल 2022 में फास्ट बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो कराया, जिसके चलते रिसर्च निवेशकों और सरकारी ऑफिसर्स को एक मंच में जोड़ने का काम कर रहा है। इसका आयोजन BIRAC के 10 साल पूरे होने पर कराया गया है। ऐसे इवेंट्स के चलते सरकार को बिजनेस में कानूनी बाधाओं का पता लगाने में आसानी होगी, जिससे भारत को FDI में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलने की उम्मीद है। भारत में बीमारियों की लंबी हिस्ट्री को देखते हुए देश में बीमारियों को रोकने और इसके इलाज के लिए कई सालों का अनुभव और नॉलेज को संभाल कर रखा है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कई स्कीम के तहत अलग अलग प्रोग्राम करा के सरकार बायोटेक बिजनेस को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बायोटेक इनक्यूबेटरों की संख्या बढ़ने से नई कंपनी और स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो भारतीय बायोटेक उद्योग की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। एकजुट बायोटेक हब बनने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी SDI बढ़ेगा, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, अच्छी क्वालिटी वाले उत्पादों के लिए भारतीय एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। फार्मा के साथ ही एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर में भारत जो बड़े परिवर्तन ला रहा है, वह भी बायोटेक सेक्टर के लिए नई उम्मीद जगा रहे हैं। केमिकल फ्री खेतों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने आज बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिल रहा है। खेती पर क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए बायो फर्टिफाइड सीड्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बायोफ्यूल के क्षेत्र में जो डिमांड बढ़ रही है, जो R&D इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, वह बायोटेक से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हाल ही में भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी 2030 से पहले यानी 2025 में पूरा कर लेगा। यह सारे प्रयास बायोटेक क्षेत्र में रोजगार के एक नए अवसर भी बनाएंगे, बायोटेक प्रोफेशनल्स के लिए नए मौके बनाएंगे। सरकार ने अभी हाल ही में जो लाभार्थियों की सैचुरेशन गरीबी के 100% सशक्तिकरण का अभियान शुरू किया है, वो भी बायोटेक सेक्टर को नई ताकत दे सकता है। यानी बायोटेक सेक्टर की ग्रोथ के लिए अवसर ही अवसर है। भारत की जेनरिक दवाओं, भारत की वैक्सीन ने जो ट्रस्ट दुनिया में बनाया है, कितने बड़े लेवल पर हम काम कर सकते हैं, वो बायोटेक सेक्टर के लिए एक और बड़ा एडवांटेज है। बीते कुछ सालों से सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं जैसे अटल इनोवेशन मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो कदम उठाए गए हैं, उसकी मदद से भी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में काफी ग्रोथ बढ़ती दिखाई दे रही है। साथ ही स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद इस फील्ड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की 9 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 8 साल पहले हमारे देश में 10 बायोटेक प्रोडक्ट थे, आज इनकी संख्या 700 से अधिक हो गई है। भारत जो अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व इन्वेस्ट कर रहा है, उसका लाभ भी बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को हो रहा है। ये कुछ वजह है भारत की बायोटेक्नोलॉजी के ग्रोथ की। आप बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।